जानिए सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज को जो कल लेंगे शपथ। सभी के पास न्यायपालिका का लंबा अनुभव। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 5 जजों के नामों की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से इनकी नियुक्ति का परवाना भी जारी हो गया है और अब सोमवार को शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन 5 नामों को मंजूरी मिली है उनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है। आइए जानते हैं इन 5 नए जजों को 6 फरवरी को शपथ लेने जा रहे हैं। जस्टिस पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले वे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति मित्तल को वर्ष 1985 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में नामांकित किया गया था और एक वकील के रूप में उच्च न्यायालय में अभ्यास करना शुरू किया था। जस्टिस संजय करोल। जस्टिस संजय करोल नवंबर 2019 से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले उन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति करोल ने वर्ष 1986 में एक वकील के रूप में दाखिला लिया और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना अभ्यास शुरू किया। जस्टिस पीवी संजय कुमार। जस्टिस पीवी संजय कुमार 2021 से मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया है। न्यायमूर्ति कुमार को अगस्त 1988 में आंध्र प्रदेश की बार काउंसिल के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। वर्तमान में न्यायमूर्ति एहसानुल्लाह अमानुल्लाह पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 2011 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। फिर उन्हें 2021 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें जून 2022 में पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। जस्टिस अमानुल्लाह को सितंबर 1991 में बिहार स्टेट बार काउंसिल में नामांकित किया गया था। जस्टिस मनोज मिश्रा। वर्तमान में मनोज मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उन्होंने 2011 में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। न्यायमूर्ति मिश्रा को 12 दिसंबर 1988 को एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था और उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दीवानी, राजस्व, आपराधिक और संवैधानिक पक्षों में अभ्यास किया था।